औरतें चीट क्यों करती हैं, यानी वो धोखा क्यों देती हैं? आज की इस वीडियो में हम इन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आज हम ये देखते हैं कि इनफिडिलिटी यानी बेवफाई जो है हमें बहुत ज्यादा कॉमन नजर आती है। औरतें देख रहे हैं, मर्द देख रहे हैं, सब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है अपना रिलेशनशिप, बस बहुत कम लोग हमें ऐसे नजर आते हैं जो पायदारी का रिलेशनशिप निभाते हुए नजर आते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो इनफिडिलिटी में, बेवफाई में या इधर उधर जो तांका झांकी करते हुए हमें नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो समझने की हमें है कि एक्चुअली ये चीजें बढ़ क्यों रही हैं, ये हो क्यों रहा है, क्यों इनफिडिलिटी इतनी ज्यादा होगी, और औरतों में खासतौर पर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी तलाश में वो बाहर जाना शुरू हो जाती हैं, जिसकी तलाश में वो अपने स्पाउस को छोड़ के किसी और इंसान के साथ जो अटैच होना शुरू हो जाती है। सो इन फैक्ट्स के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है ताकि हम अपने घर जो है वो बचा सकें और हम अपनी बीवी को बिन मांगे वो दे सकें जो कि वो चाहती है, और वो चीजें जो जो उसे हमसे चाहिए उनको तलाश करने के लिए घर से बाहर ना देखे और ना ही रिलेशनशिप जो है वो खराब हो सके। इससे पहले कि मैं इन डिटेल्स की तरफ, इन फैक्ट्स की तरफ जाऊँ, आई रियली वॉन्ट कि मैं आपको एक बहुत जबरदस्त और अमेजिंग प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ जी। ये सॉलिस विद सिट का जो है कैंडल्स हैं और मेरा जॉइंट वेंचर है सॉलिस विद सिट के साथ। और ये रेंज जो आपको नजर आ रही है रेड ब्लड, ये खास तौर पे मेन रेंज है हमारी। ये मैंने स्पेशली जो है जो हमारे मेल फॉलोअर्स हैं, मेल क्लाइंट्स हैं, उनके लिए इसको बनवाया है। और इसमें सिनेमन यूज किया गया है और कॉफी यूज की गई है। सिनेमन और कॉफी जो है ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि खास तौर पे मेंस हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और खास ना सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने में जो है इंपॉर्टेंट रोल इनका है, इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन चीजों का। अगर आप सिनेमन की बात करें तो ये खास तौर पे जो है आपके स्पर्म काउंट को बेहतर करता है। इसका एरोमा जो है अगर आपके इर्द गिर्द हो तो यू फील मोर प्लेजेंट, आप ज्यादा अच्छा फील करते हैं और आप जो है आपका सेक्सुअल डिजायर जो है वो ज्यादा हो जाता है। और कॉफी की खास तौर पे अगर बात की जाए तो दिस इज वन ऑफ द रिकमेंडेशन कि कॉफी की स्मेल जो है ये आपको सेक्सुअली एक्टिव करती है और आपके आपके मूड को एनहेंस करती है, यानी आपके मूड को बढ़ाती है और आपके टेस्टोस्टेरोन जो है उसको ज्यादा कर देती है। और अगर आपके इर्द गिर्द कॉफी की जो है वो अरोमा ज्यादा हो या खुशबू ज्यादा हो तो आपका मूड जो है वो एरोटिक इजीली अराउज जो है वो हो सकता है और ज्यादा बेहतर मूड हो सकता है। और फिर आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए सिनेमन और कॉफी दोनों के अरोमास जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमारे फॉलोअर्स जो कि अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिबिडो को इंक्रीज करना चाहते हैं, मूड को एनहेंस करना चाहते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना चाहते हैं और अपने इर्द गिर्द एक रोमांटिक माहौल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस कदर रोमांटिक है, किस कदर जो है वो खूबसूरत कलर है। और ये मेन रेंज है हमारी, आप हमारे कैंडल्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये कैंडल्स आपको मेरे क्लिनिक से मिल सकते हैं और सॉलिस विद सिड का जो पेज है इंस्टा के ऊपर, आप वहां पे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलीवरीज भी हो सकती हैं और आप हमारे क्लिनिक से पिक कर सकते हैं। ये कॉफ प्लान DHA Phase 5 पे भी ये कैंडल्स पड़े हुए हैं, वहां से भी आप इनको ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू एनहेंस योर सेक्सुअल हेल्थ विद योर मूड जी। तो हम बात कर रहे थे कि जी एक्चुअली फीमेल्स जो है वो क्यों धोखा जो है वो देने की तरफ आती हैं, ऐसा क्यों होता है कि उनको अपने आदमी को, अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और की तरफ जो है वो जाना पड़ जाता है। दो वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उन दो वजूहात में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन सबसे अहम है। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि बेसिकली औरत आदतन बेवफा नहीं है, मसलन उसकी आदत में या उसकी फितरत में बेवफाई नहीं है। वो अपने किसी फितरत की वजह से, किसी आदत की वजह से, या पॉलीगैमी जिस तरह आदमियों में बहुत ज्यादा कॉमन है, इसी तरह से कि उसको मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, इस वजह से कभी किसी आदमी के पास नहीं जाती। औरत सिर्फ अपनी जरूरत के तहत किसी दूसरे आदमी की तरफ जाती है, किसी भी आदमी की तरफ जाती है, किसी दूसरे को हम बाद में कहते हैं, या अपनी जरूरत के तहत किसी आदमी की तरफ जाती है और फिर अपने आदमी को छोड़ के दूसरे आदमी की तरफ भी अपनी जरूरत के तहत जाती है। अब वो जरूरतें बेसिकली कौन सी हैं ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि औरतें जो है पैसे की वजह से अपने शोहर को छोड़ के शायद किसी और आदमी की तरफ चले जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी औरतें हैं
जो कि भूख में गुजारा कर रही हैं, जो बड़े कम पैसों में गुजारा करती हैं, फाइनेंशियल बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उसको वो बर्दाश्त कर रही होती हैं और उसमें से गुजर रही होती हैं। ऑफकोर्स देयर आर वेमेन, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनको पैसा चाहिए होता है, जिनको लग्जरी चाहिए होती है, तो वो उस वजह से भी छोड़ के चली जाती हैं, मगर नंबर ऐसा ऐसी औरतों का थोड़ा आपको कम नजर आता है। नॉर्मली जब औरतें इनफिडिलिटी की तरफ जाती हैं, बेवफाई की तरफ जाती हैं, चीट करने की तरफ जाती हैं, मे भी अपने हस्बैंड को छोड़ने की तरफ ना जाती हूँ लेकिन चीट करने की तरफ जाती हैं, तो उसकी सबसे जो मेजर वजह है वो उनकी वैलिडेशन है। यानी आप उनको वो वैलिडेशन नहीं देते, वो तवज्जो नहीं देते, वो प्रेज नहीं करते, वो मोहब्बत का इजहार नहीं उससे करते, वो उसके उसके होने को आप जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। यानी वैलिडेशन का मतलब ये है कि जब आप औरत को उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी उसको प्रेज नहीं करते, तो यूजुअली ये हो जाता है कि औरतें जो है बाहर जाना शुरू होती हैं। अब औरत की जरूरत प्रेज क्यों है, तारीफ क्यों है, उसके होने को एक्नॉलेज करना क्यों जरूरी है, उसकी रीजन हमारे मुआशरे में हमें बड़े क्लियरली आपको नजर आएगी कि हम अपनी औरतों को सिखाते हैं और बताते हैं और औरत के वजूद से, यानी वजूदे जन से है दुनिया में रंगो रौनक। ये बातें इतनी ज्यादा हमने सुनी हुई होती हैं औरतों ने, खास तौर पे इतनी ज्यादा उनपे नज्मे, पोइट्री, गाने, ड्रामे, लोगों की डेथ्स, यानी लोगों ने अपने आप को खत्म कर लिया, लोगों ने उनके लिए उनकी मोहब्बत में नहरें खोद दी। तो हम औरतें जो होती हैं वो सोचती हैं अपने जहन में कहीं ना कहीं कि वो बंदा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा, उनकी जिंदगी में हम बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह होंगे, हम बिल्कुल एक ऐसी खातून होंगे जिसके बाद उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी और हम उसकी कुल कायनात जो है वो होंगे और हम उनके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगे और वो हमारी खूबसूरती के असीर रहेंगे, हमारे असीर रहेंगे वो लोग जो हमारी जिंदगी का, यानी शोहर खास तौर पे जो है वो हमारे यहाँ असीर रहेगा। और जब हमें ये वैलिडेशन जो है वो नहीं मिलती अपने शोहर की तरफ से कि वाकई ही हम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी तरफ प्यार और मोहब्बत से नहीं देखा जाता, हमें तवज्जो नहीं दी जाती, हमें वो स्पेशल फील नहीं करवाया जाता कि जी आप वाकई ही बहुत स्पेशल है, आपकी ब्यूटी बहुत मैटर करती है, या हमारी वैलिडेशन जो है वो नहीं दी जाती हमें, बार बार हमें जो है वैलिडेशन देने की बजाय नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं या हमारे होने को इग्नोर किया जाता है। ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पौधा जो आप लगाते हैं, जब आप उसको प्रॉपरली वाटर नहीं करते तो वो पौधा, या उसको प्रॉपर धूप नहीं देते तो पौधा ऐसा ऐसा मुरझाना शुरू हो जाता है। औरतें बिल्कुल उस पौधे की तरह की होती हैं, उनके लिए जो आपकी तवज्जो है, वैलिडेशन जो है, इजहार है, उनके होने को कबूल करना जो बिल्कुल पानी और रोशनी और प्रॉपर खाद का काम करता है उनकी जिंदगी में, उनकी तारीफ करना, अगर आप वो नहीं करते तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाती है। और जहां से भी उनको ये थोड़ी सी भी चीज मिलती है जो उनकी इस नीड को, मैंने कहा था जरूरत के तहत जाती है, जो उनकी इस जरूरत को पूरा करती हैं, औरतें वहां घबराते हुए, डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और आपका रवैया उनको उस तरफ बहुत ज्यादा पुश कर देता है। और जब वो पुश हो, आप उसको पुश करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं और इमोशनल अटैचमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो इनफिडिलिटी की तरफ जो है वो चली जाती है और वो अपने हस्बैंड को छोड़ के वो प्यार, मोहब्बत, तवज्जो जो है, उनकी खूबसूरती को, एक्नॉलेजमेंट जो है उसकी, उनके होने के एहसास को जो है जब कोई दूसरा बंदा सराहता है तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट वहां होना शुरू हो जाती है। सो इफ यू रियली वॉन्ट के आपका घर, आपका पौधा सेहतमंद रहे तो मुनासिब पानी दीजिए, मुनासिब रोशनी दीजिए, मोहब्बत दीजिए और लुक आफ्टर कीजिए ताकि आपका घर जो है वो महफूज रह सके और आपकी वाइफ को कहीं और वो सब ना ढूंढना पड़े जिसकी तलाश में, जिसकी जरूरत में वो आपकी जिंदगी में शामिल हुई है। इसकी दूसरी वजह क्या होती है इनफर्टिलिटी की, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।